बच्चों, हमने पिछले व्याख्यान में पुनर्जागरणकालीन संगीत कला के क्षेत्र में पढ़ा और आज हम विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण पढ़ते हैं। पुनर्जागरण के कारण विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। मध्यकाल में यूरोप के लोग अंधविश्वासों एवं प्राचीन परंपराओं के बंधन में जकड़े हुए थे। उन पर चर्च व धर्माधिकारियों का काफ़ी प्रभाव था। धर्माधिकारी लोग स्वतंत्र चिंतन के प्रबल विरोधी थे और विज्ञान को भी एक प्रकार की नास्तिकता समझते थे। मध्ययुग में प्राचीन परंपराओं का विरोध करने वाले व्यक्ति को धर्मद्रोही कि वह तर्क की कसौटी पर खड़ी उतरती। इस वैज्ञानिक भावना से जनसाधारण का अंधविश्वास तथा मिथ्याचारों से विश्वास उठ गया। अब मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से चिंतन आरंभ कर दिया। इससे कई नए नए आविष्कार एवं खोजें हुई। इस परिवर्तन को लोग वैज्ञानिक क्रांति के नाम से संबोधित करने लगे। जिसके कारण मनुष्य ने प्रकृति के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया एवं प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करके मानव जीवन को सुखी बनाने में सफलता प्राप्त की। इसी कड़ी में हम विज्ञान के क्षेत्र में ही सबसे पहले लेते हैं खगोल तथा भूगोल के क्षेत्र में उन्नति। मैंने इस सर्कल के माध्यम से आपको समझाना चाहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण और सबसे पहले हम लेते हैं खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। तो स्वाइन के अनुसार नए देशों की खोज और ज्योतिष की छानबीन ने जनता को पहली बार यह अनुभव कराया कि उनके कई लोकप्रिय विश्वास गलत हैं। जब जनता ने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे तो वह विज्ञान पर विश्वास करने लगी। सामुद्रिक जो यात्रियों ने नए नए प्रदेश की खोज की और ज्योतिषियों ने एक नए ब्रह्मांड की खोज की। दूसरी शताब्दी में प्रसिद्ध यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी ने यह मत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी अचल है और सूर्य और चंद्रमा एवं तारे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चर्च ने टॉलमी के सिद्धांत को सत्य मान लिया और लोगों ने भी इस पर विश्वास कर लिया। इसी कड़ी में आगे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति निकोलस कोपरनिकस। बच्चों ध्यान रखना आप, निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड का निवासी था, उसने टॉलमी के सिद्धांत को का है। लोगों को उसके सिद्धांत पर बहुत आश्चर्य हुआ और सहसा वे विश्वास नहीं कर सके। कोपरनिकस का सिद्धांत बाइबल और चर्च की शिक्षा के विरुद्ध था, इसलिए पोप के आदेशों से ही कोपरनिकस को अपने नए विचारों का प्रचार बंद करने पड़ा। जर्मनी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कोपरलर ने गणित के अंकों से कोपरनिकस के सिद्धांत को सही प्रमाणित कर दिखाया। कुछ समय बाद इटली के निवासी जायरिन बोनो ने कोपरनिकस के विचारों का प्रचार शुरू किया। परिणाम स्वरूप पोप के आदेशों से उसे मृत्युदंड दिया गया। धार्मिक अत्याचार और बर्बरता के बावजूद भी वैज्ञानिक खोजें निरंतर रही। इसी कड़ी में इटली के जो प्रसिद्ध विद्वान गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के मत का समर्थन किया। उसने एक ऐसी दूरबीन बनाई जिससे सूर्य व चंद्रमा एवं ग्रह को देखा जा सकता था, माइक्रोस्कोप जिसे हम कह सकते हैं। पोप के आदेशों से उसने भी अपने विचारों का प्रचार बंद कर दिया। इंग्लैंड के निवासी आइजक न्यूटन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। उसने गुरुत्वाकर्षण का प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने ये सिद्ध किया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, इसलिए हर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है। ऊपर की प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। इससे लोगों को पता चल गया कि हमारी पृथ्वी धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई देव योग या आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु ये तो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपनी धुरी पर घूम रही है। पुनर्जागरण में पृथ्वी का आकर्षण एवं घूमने का सिद्धांत, ये दो खगोल
भूगोल तथा भूगोल के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक क्रांति आई, पहले जो लोग थे पुनर्जागरण से पहले, वो इस चिंतन ये स्वतंत्र चिंतन करने का उनमें साहसी नहीं था या उनकी सोच भी इतनी नहीं थी, क्योंकि वो धर्माधिकारियों के उसमें लिप्त थे और मध्ययुग के अंधविश्वासों में वो लिप्त थे। अब जब पुनर्जागरण हुआ तो इसमें बहुत तरक्की हुई। अब आगे हम लेते हैं गणित के क्षेत्र में प्रगति। तो को जैसा कि विज्ञान और खगोल में हुई, उसी प्रकार गणित के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वैज्ञानिक तर्क और कसौटी पर खरे उतर के उसके प्रमाणित कर रहे थे, रूढ़िवादी लोग उनके शत्रु बन गए थे। उसने सर्वप्रथम ये बताया, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं दार्शनिक था डेकार्त, उसने ये बताया कि बीज गणित का उपयोग ज्योति में कैसे किया जाए। प्रसिद्ध गणितज्ञ तारतर गैलियो ने धन समीकरण के सिद्धांत की खोज की। कैपलर ने शंकु संबंधी सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसी समय स्टेविन नामक विद्वान ने दशमलव पद्धति पर काम किया। अतः यहाँ पर जो जितने भी ये प्रयोग हुए या जितने भी आविष्कार हुए, उससे ये आज भी वर्तमान समय भी गणित में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वो है भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में विकास। पुनर्जागरण कालीन भौतिक, मैंने यहाँ पे सर्किल में लिखा है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में विकास, तो गैलीलियो ने भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके वजन पर निर्भर करती है। गैलीलियो ने इस बात का खंडन किया कि उस चर्च के झूलते हुए दीपक को देखकर पेंडुलम के सिद्धांत का उसने आविष्कार किया। इस सिद्धांत के अनुसार उसने ये सिद्ध किया कि गिरने वाली वस्तु की गति उसके वजन पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है। इस खोज के आधार पर आगे चलकर दीवार घड़ियों का बनना संभव हो गया। गैलीलियो ने एयर तथा हाइड्रोस्टिक तुला की खोज की। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने मैग्नेट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसी कड़ी में आगे है कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में विकास। पुनर्जागरण कालीन रसायन शास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, तो इसमें वॉल हेलमट मार्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की खोज की। बच्चों आप नोट करेंगे कि किसने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाया, तो हेलमट ने इसकी खोज की। कोडर्स नामक वैज्ञानिक ने गंधक एवं एल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। रॉबर्ट बाइल नामक वैज्ञानिक ने गैस के विस्तार के क्षेत्र में नई नई खोजें की। और इसी कड़ी में आगे हैं चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में विकास। ये और इन सब का जो विकास हुआ है, जिन क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, जैसे कि गणित में हुई, रसायन शास्त्र में हुई, भौतिक शास्त्र में हुई, वो 15वीं-14वीं शताब्दी से लेकर अभी वर्तमान समय तक भी ये चीज़ें हमारे काम में आ रही हैं। और ये जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसी कड़ी में चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में विकास। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। नीदरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पैसेडियम ने मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी। इसको आप नोट करेंगे, नीदरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पैसेडियम ने मानव शरीर के बनावट के नाम की पुस्तक लिखी। उसने अपनी इस कृति में पुरानी मान्यताओं का खंडन करते हुए शल्य चिकित्सा के व्यावहारिक ज्ञान को अधिक लाभदायक एवं महत्वपूर्ण बताया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हावे ने शरीर में रक्त संचारण की विधि खोजी। इससे चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हलचल मच गई। उसने पता लगाया कि हृदय रक्त को धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फेंकता है और सिरों द्वारा खून वापस
लेता रहता है। इस खोज के बाद खून चढ़ाने तथा हृदय और ग्रंथियों की बीमारियों का इलाज आसानी से किया जाने लगा। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी चिकित्सा शास्त्र में। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि पुनर्जागरण से मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चाहे आप साहित्य में लीजिए, चाहे आप चित्रकला में लीजिए, चाहे आप मूर्तिकला में लीजिए, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिस पर पुनर्जागरण का प्रभाव नहीं पड़ा। इसके कारण लोगों का प्राचीन मान्यताओं से विश्वास उठ गया और अब उन्होंने नए युग में प्रवेश किया। प्लेटवेल जीन डॉमर ने लिखा है, इन वैज्ञानिकों ने तो केवल अस्पष्ट मार्ग चौड़े राजपथ में बदल दिया। वर्तमान समय में भी लोग प्राचीन रूढ़ी व अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं, अतः पुनर्जागरण का फिर से होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि हम वर्तमान समय में हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे और क्षेत्र में डॉक्टर्स ने, चिकित्सा शास्त्र में और जो विज्ञान के क्षेत्र में हैं, बहुत सारी हमने उपलब्धियां कर ली है। और आप जानते हैं, आप आज के युग के बच्चे हैं, टेक्निकल लाइन से आप बहुत परिचित हैं और भी हैं, तो आप जानते हैं कि आज चांद पे, पहले भी चांद पे लोग गए हैं, आज चांद पे भी गए हैं और उसे परिक्रमा, और वर्तमान समय में बहुत हम साइंस में बहुत तरक्की कर रहे हैं। हर चीज़, पहले आवागमन के साधन नहीं थे, संचार यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन इतने नहीं थे। आज आप चाहे कहीं का व्यक्ति कहीं बैठा हो, आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर लेते हैं, उसके आप उनके रूबरू मतलब हो जाते हैं, आपकी बात उनसे आसानी से हो जाती हैं, सब बातें हो जाती है। ये संभव किससे हुआ? ये उस समय की इस साइंस की, विज्ञान के क्षेत्र की तरक्की। अगर वो उस चीज़ को नहीं खोजते, अगर उस रूढ़िवादी या मध्ययुगीन मान्यताओं या धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध नहीं करते, तो शायद हम इस यहाँ पर या हमारे आज जो हमें फैसिलिटी मिल रही है, जो हमें सुविधा मिल रही है, वो शायद नहीं मिलती। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत जो तरक्की की है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं उन वैज्ञानिकों का या उन बड़ा हाथ है, और उनको हमें धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए मन से कि उनकी देन से ही आज हम बहुत तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें एक ये है कि पुनर्जागरण आवश्यक है। आज भी चाहे हम विज्ञान की ओर कितनी तरक्की कर रहे हैं या चिकित्सा शास्त्र में हैं या बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी मान्यताएँ या बहुत सारे हमारे कुछ जीवन में धर्म के नाम पे बहुत हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है कि हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर भी हम जुड़े हुए हैं। आगे हैं कि इसी क्षेत्र में भौगोलिक खोज। मध्य युग में ब्रबर जातियों के आक्रमण के कारण यूरोप का संपर्क विदेशों से टूट गया, लेकिन मध्य युग के अंत में यूरोप में राष्ट्रीय राजमार्गों का उत्कर्ष हुआ एवं औद्योगिक क्रांति हुई। तब यूरोप के देशों ने विदेशों के साथ पुनः व्यापारिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। इस हेतु यूरोपियन देशों ने नए नए जल मार्गों की खोज की। अमेरिका की खोज इसी का परिणाम है। खोज के कारण भौगोलिक खोजों की प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए अरबों का दूर दूर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। वे स्थल तथा जल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। धर्म युद्धों से लौटने वाले यूरोपियनों की पूर्व देशों के प्रति ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि हुई। ये बहुत बड़ा कारण था कि एक देश से दूसरे देशों के व्यापारिक संबंध के कारण वो वहाँ पर जाते थे, जिसके कारण जो भौगोलिक चीज़ों से, खोजों से वो परिचित हुए। कुछ ईसाई धर्म प्रचारक नए नए देशों में जाकर महात्मा ईसा के उपदेशों को फैलाने की जिज्ञासा रखते थे।
नेता कुबलई खान ने अपने महल में आश्रय दिया। उसने इटली लौटने के पश्चात अपनी यात्रा विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में पूर्वी देशों के वैभव का विस्तृत ब्यौरा दिया। उसने इस मत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी गोल है और जहाज़ों के माध्यम से पूर्वी देशों से में पहुंचा जा सकता है। जब मार्क पोलो का यात्रा विवरण प्रकाशित हुआ तो उसे पढ़कर यूरोपियन लोग प्रभावित हुए और उससे उनके विषय में जानने से उनके संपर्क में स्थापित करने से व्यापार में भी वृद्धि हुई। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई। अब यूरोपियन अपने व्यापार में वृद्धि करने हेतु पूर्वी देशों के साथ संपर्क करने के लिए जागृत हुए। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण मनुष्य के ज्ञान में प्राप्ति हुई, जिज्ञासा में वृद्धि हुई, नए देशों की खोज हुई। ये भौगोलिक खोजों के कारण ही पुनः जागरण का उद्भव हुआ या पुनः जागरण का विकास हुआ।